खरा पक्की ना होगा ना, कबोला लगवाया अपने से अड्डा रखा, फुटू भाई लगे भाई आटा गूंदने। अब तो गाड़ी अभी ना 8:15 बज रहे हैं, रात का टाइम, अपना खाना बनाने का काम मांझी जी करते थे, और इस तरफ को इनकी सारी भेड़ बकरियाँ गद्दी भाइयों की रोटियाँ हैं, मस्त वाली रोटियाँ बन रही है भाई यहाँ पे। लगाएगा कि मुझ पे ये किसने हरा धनिया डाला, बड़ा स्वादिष्ट चिकन बनाते हैं छोटू भाई, एक नंबर के मास्टर शेफ है हमारे। लव मैरिज का सीन सर है, मतलब ना मस्त यहाँ पे ये हरा धनिया डाला छोटू भाई, देखो कितना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसका, मतलब शादी तो करनी है, करनी है, करनी है शादी है ना। रेस्ट करो अपने हिसाब से ना। हाँ जी, तो भाई हमने ना खा लिया खाना, ये चपातियाँ बची गई, और यार सब्जी तो काफी बची है अपने कुत्तों के लिए, मतलब साथ में हम दूध भी देंगे यार, कुत्ते भी खाएंगे आज ऐसा चिकन ना, तो बड़ा टेस्टी लगेगा इनको, बहुत टेस्टी बना यार चिकन आज, और कुछ एक दूध खाएंगे। और हमने खा लिया खाना, अब छोटू भाई कुछ और काम करने लगे हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं भाई, बहुत ही मतलब मेरे लिए यार क्या बताऊं, मैं ना ऐसी चीज़ें देख के बड़ा इमोशनल सा हो जाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये है शिल्पा, देखो यहाँ पे शिल्पा सोई है, और शिल्पा का ये बच्चा यहाँ पे, ये फीमेल बच्चा है, ये कैसे सोए हुए हैं यार, आए आए माँ की ममता यार। सो जाओ, बहुत ही शरीफ और बहुत ही एक्टिव है शिल्पा यार। इस तरफ को सारी भेड़ बकरी है इनकी, और भाई ये टेंट अपने नोमैडिक शेपर्ड लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है टेंट जंगल के अंदर, और थोड़े बहुत हमें तारे भी दिखने लगे हुए हैं आसमान में, मैं जितने अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ उतना मेरा मोबाइल आपको नहीं दिखा पाएगा। ये टेंट यहाँ पे, ओ भाई क्या ठंड है यहाँ पे, हम सीखेंगे आ गया भाई। तो यहाँ पे भाई अपने छोटू भाई लगे हैं, दोनों माँ बेटी लगे हैं खाना खाने यहाँ पे। जो भाई हमारा एक छोटा डॉगी गुम हुआ है ना, वो भी ऐसे ही खाना खाता था, और वैसे ही मतलब उसको भी ऐसे ही पाल पोस के बड़ा किया था जैसे छोटा सा बच्चा है, इतना सा लाए थे हम यार उसको यहाँ पे, मैं तो नहीं मतलब ये लोग लेके आए थे, बट क्या करें यार वो रह गया कहीं रास्ते में ही, बहुत नुकसान हुआ यार हमारा। और भाई ये अपना मच्छू यहाँ पे, कैसा मेरा पुत्र मच्छे, ठीक है, रिखे मुझे दिखा मच्छू, कहाँ रिखी, इनका एक और डॉगी है भाई वो मुझे दिखा नहीं, उसका नाम है रिखी, और ये वाला जो है डॉगी यहाँ पे इसका नाम है मरचू, बहुत खतरनाक है ये। बाकी तो भाई सब ने खा लिया खाना, ये आया हमारा रिखी पुत्र यहाँ पे, रिखी कहीं यहाँ था ऊपर, अच्छा लग रहा है रिखी मुझे देखने में, ये हमारा रिखी पुत्र लगा खाना खाने, खा ले मेरा रिखी पुत्र खाना। शाबाश रिखी, शाबाश 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 रिखी, शाबाश रिखी। तो भाई रात के 10 बजे सारा काम निपटा लिया हमने, और अब हम लगे हैं सोने की तैयारी करने, तो इस बार मैं अपना स्लीपिंग बैग नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ मैं ये एक जो मतलब नॉर्मल से स्लीपिंग बैग है बहुत ही हल्का गर्मियों वाला वो लेके आया हूँ मैं, बट है तो ये भी गर्म है जैसे, क्योंकि ये है मतलब जैसे विंटर के लिए ज़्यादा मतलब, बट है ये ठीक है भाई, वैसे इतना वो नहीं है, बिल्कुल ही हल्का नहीं है, लगता है देखने में हल्का बट काफ़ी है ये। एक मुझे इन्होंने ये दे दिया सेल्ला बिछाने के लिए, एक हम ये सेल्ला बिछाएंगे, और एक हम अपना ये स्लीपिंग बैग यूज़ करेंगे, मोबाइल मेरे फोकस कर ले, एक हमें वाला स्लीपिंग बैग यूज़ करेंगे, और बाकी बिस्तर छोटू भाई लगे हुए निकालने यहाँ पे, मामा जी का बिस्तर है इसके अंदर।
मामा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, मामा जी घर पे हैं, उम्मीद है मामा जी बहुत जल्दी लौटेंगे अब डेरे में। अरे वाह, इतना सब स्त्री उसका यूज करते हैं मामा जी, एक ब्लैंकेट और एक ये गर्डू बोलते हैं इसको, ये है ऊन का बना हुआ, भेड़ की ऊन का, बहुत ही मतलब जबरदस्त भाई। और देखो ऐसे ऐसे ये निकलते हैं इनके बिस्तरों से, गुम्बर कहते हैं हम इनको, कांटे, कांटों भरी जिंदगी है इनकी। बड़ा भाई तो भाई यहाँ पूरा बिस्तर बनाने का प्रोसेस चला हुआ है, बिस्तर बनाने लगे हुए हैं यहाँ पे मेरे लिए। छोटू बहन देखो यहाँ पे कर दिया बिस्तर, यहाँ पे सोएंगे हम। उस सर्फ को थोड़ी सी आग जल रही है तो रात जैसे में तो बुझ जाएगी, और बाकी ये सब तो भाई ये अपने छोटू भाई, छोटू बहन देखो यहाँ पे कर लिया बिस्तर। और बाकी भाई हम सोएंगे यहाँ पे, ये अपना बिस्तर और वो छोटे छोटे बच्चे देखो वहां पे। तो भाई खाना वगैरह सब खा लिया हमने, और मतलब कि खाना खाए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया से आपने देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब कर लिया, कुत्तों को खाना वगैरह सब छोटे भाई ने खिला दिया। अब हम सोने लगे हुए हैं आराम से। जो हमारे एक दूसरे मामा जी हैं, बैद मामा जी हैं, उन्होंने गाने चला रखे हुए हैं, पता नहीं कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा कहीं। तो बस भाई अब सो जाते हैं, मिलते हैं आपको सुबह। और बाकी भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बाकी चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो, कर दिया करो सब्सक्राइब यार, मतलब कैसे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करते नहीं है। तो सो जाते हैं भाई अभी। बाकी भाई मैंने पावर बैंक वगैरह यहाँ पे निकाल के रख लिया हुआ है, चार्जिंग करनी पड़ेगी फ़ोन के अंदर, फ़ोन आजकल थोड़ा ऐसे चार्जिंग जल्दी जल्दी खाने लगा हुआ है। रात के 12 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं अभी, और थोड़ी शांति है, कुत्ते थोड़े बहुत भौंकने लगे हुए हैं, बाकी तो सब भाई शांति है इस टाइम पे यहाँ जंगल में। तो भाई रात के अभी 2:30 बज रहे हैं, और छोटू भाई देखो यहाँ पे सोए हुए हैं, और ये इनके जो पाँव वाले साइड बकरी का बच्चा बैठा हुआ है, और ये सोए हैं अपने यहाँ पे सामने पे वैद मामा जी, बढ़िया देखो मुंह ढक के सोए हुए हैं आराम से, बिल्कुल ज़मीन पे सोए हैं भाई, थोड़े से कपड़े ओढ़े हुए हैं, बहुत मस्त ज़िंदगी है। तो भाई सुबह सुबह छोटू भाई ने चाय रख दी बनने के लिए, और छोटू भाई दूध निकाल के ले आए बकरी का,
चाय बना रहे हैं छोटू भाई। छोटू भाई काफी पहले उठ गए थे, हम तो अभी अभी उठने लगे हुए हैं। और अभी मैं देखो यहाँ पे हूँ बिस्तर के अंदर, ये रात को हम यहाँ पे सोए हुए थे, ये कपड़े ओढ़े हुए हैं मैंने, ये ऊन का बना हुआ एक ब्लैंकेट जिसको कहते हैं दोड़ू, तो ये हमने ओढ़ा हुआ था। इसकी कीमत कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये होती है। और हमने नीचे बिछाया हुआ था ये बकरी के बालों का बना हुआ एक मैट होता है सेला, ये बिछाया हुआ था हमने। और एक हमने एक ये ब्लैंकेट लिया हुआ था, मामा जी का भी इस्तेमाल, मामा जी घर पे हैं आजकल। बाकी छोटू भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग, कैसे रहे रहा छोटू भाई? बहुत बढ़िया रहे भाई। मैं भाई रात को ना बीच बीच में छोटू भाई के साथ बात करता रहा कि भाई छोटू भाई भेड़ें चली तो नहीं गई जंगल, बट छोटू भाई बिल्कुल अलर्ट मोड में सोते हैं क्योंकि इनका रोज़ का काम है कि भेड़ें गई जंगल की नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई ना रात के टाइम पे भेड़ें उठती हैं, यहाँ से इकट्ठे कि इनका झुंड उठेगा और जंगल वाली तरफ निकल जाएंगी घास चरने के लिए अपने धुन में, तो इनको वो भी ध्यान रखना पड़ता है रात के टाइम पे। और अभी सुबह सुबह भी देखो लग पड़ी जाए। नहीं यार वो हाँ, एक दिन क्या हो भाई यहाँ से कोई भेड़ चलेगी उन्हें 4-5 ना, यहाँ आगे जाके एक हाँ कम से कम सारी भेड़े, सारी भेड़े हैं, सारी भेड़े गई वो यार। हाँ सुबह आया मार को फोन, हाँ बंदों का, हाँ ऐसे ऐसे हो गया भाई रे। हाँ उनकी लहसुन, हाँ तो खाया खाया, लोगों की कणक भी खाई, गेहूं भी खा दी। ओ यार बड़ा कांड हुआ छोटू भाई तुझे तो। बहुत कांड हुआ। फिर उन लोगों ने क्या बोला आपको? कुछ नहीं बोला। नहीं यार उनको पता लगा भी गलती से फिर हुई इनसे। हाँ रात को, रात को चली गई बारिश में गई, बारिश में हुई रात को। हाँ इधर बंदा पल्ली साइड घर है उसके। अच्छा 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 उसने बोला भाई गलती से आ गई होगी, बोला गलती से हो गया। रात को बरखा, दिन को चुग नहीं बारिश में, रात को आ गई भाई। ये भाई यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, इनके पास छोटा सा पप्पी है, देखो कितना बढ़िया है, ब्लैक कलर का पॉन्स के थोड़े थोड़े वाइट कलर में, थोड़े थोड़े हैं ज़्यादा नहीं है, है बड़ा प्यारा है। पर ये हेलो हेलो कैसा है? ओए होए जो भाई ना ये गद्दी कुत्ते होते हैं ना, और उनके जो बच्चे देखो उनकी अलग ही टौर होती है, कितना बढ़िया लग रहा है ना ये। सेम इसका एक भाई और था ऐसे यार, वो पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ खा लिया और वो बेचारा गुजर गया इस दुनिया से। ये तो जो हमारा गुम हुआ कुत्ता उसके जैसे लग रहा है बिल्कुल ही।